अरे ये कौन बेच रहा नहीं, हमको उससे नहीं है। रामा सिंह पर जो भरोसा लोगों का है, हमने वो अभी बात जो है हमने कही है कि 40 वर्षों से जो रामा सिंह पर विश्वास है, समाज के लोगों का, सामाजिक न्याय के लोगों का, समाज समरस समाज बनाने में जो रामा सिंह की भूमिका रही है, उन तमाम लोगों का, और उसी की बात मैंने किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन बेचने वाले हैं, मैं कहा हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है, यह बात मैं कहा हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तो तैयारियों में जुटी हुई है ही, लेकिन एक तरफ देखिए कि कुछ नेता जो है वो भी अपने समाज को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी दौरान आज कार्यक्रम जो है वो रामा सिंह की तरफ से किया गया था, और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रामा सिंह ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, किस पार्टी को वो समर्थन देंगे, इस पर उन्होंने अपनी बातों को क्या कुछ कहा है। संकल्प लिया है आप लोगों ने, काफी संख्या में लोग आए थे, सभी समाज के लोग आए थे। हाँ। आज क्या संकल्प है, आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए आगे का हमने पहले भी कहा था कि यह पहला जो है पहला राज्य स्तर का जो इस रामा विचार मंच का संकल्प महासम्मेलन, यह पहला कार्यक्रम था, और सभी लोगों का थोड़ा सा विलम्ब हो गया, कार्यक्रम जो है विलम्ब से शुरू हुआ और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है बाहर भी रहा। इस कारण जो संवाद होना चाहिए था वो हम लोग पूरा नहीं कर सके हैं। जो बहुत सारे साथी जो प्रमुख और प्रबुद्ध साथी थे, उन तमाम लोगों को अवसर भी नहीं मिल सका कि वो दो लाइन जो है अपनी बात को बोलने। देखिए हमने तो बताया है कि रामा विचार मंच का जो उद्देश्य है उसको तो विस्तार से हमने बताया है, और उसका आपको जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें आपको सारी चीजें मैसेज क्या जा रहा है? कौन बेच रहा नहीं, हमको उससे नहीं है। रामा सिंह पर जो भरोसा लोगों का है, हमने वो अभी बात जो है हमने कही है कि 40 वर्षों से जो रामा सिंह पर विश्वास है, समाज के लोगों का, सामाजिक न्याय के लोगों का, समाज समरस समाज बनाने में जो रामा सिंह की भूमिका रही है, उन तमाम लोगों का, और उसी की बात मैंने किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन बेचने वाले हैं, मैं कहा हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है, यह बात मैं कहा हूँ। ऐसे लोगों से क्षति हो रही है? बिल्कुल होती है। हर समाज के लोग यदि निजी स्वार्थों में, निजी राजनीतिक लालच में यदि इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को उसका नुकसान हो। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं था। मैंने कब कहा कि शक्ति, या मैंने कहा कि रामा विचार मंच का राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन था। लेकिन आपके कई समर्थकों ने कहा कि वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर रामा सिंह की तैयारी है, ये नहीं, आप क्या कहेंगे? आपको ऐसा लगा कि सिर्फ वैशाली के लोग हैं? आपको शिवहर के लोग भी हैं, मोतिहारी के लोग भी हैं, बक्सर के लोग भी हैं, सासाराम के लोग भी हैं, सभी जगह के लोग हैं, और यह चुनाव लड़ने से लेकर के इन सब तमाम शिवहर के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ, तो ये तमाम विषयों से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले से फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि रामा विचार मंच का राज्य स्तरीय पहला सम्मेलन है, और उस सम्मेलन में आप देखे हैं कि कितने हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे, और हम लोगों ने कार्यक्रम को छोटा किया है क्योंकि लगन का समय है, बहुत सारे लोगों को घर में शादी ब्याह है, वैसे लोग भी इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हो। सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे आप? बिल्कुल हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पोषक रहे हैं। हम लोग सभी समाज, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को लेकर के आज से नहीं 40 वर्षों से, और इसीलिए हमारा नारा है कि जो भरोसा और विश्वास हम पर है, हम आगे भी आपके विश्वास पर कहीं ठेस नहीं पहुंचाएंगे, यही हमारा एक अहम सवाल है। आखिर राजपूत समाज कहां कहां जाएंगे? संजय सिंह भी कार्यक्रम करने वाले हैं, आनंद मोहन भी कार्यक्रम करने वाले हैं, आपने भी किया, क्या लगता है राजपूत वाकई डाइवर्ट हो चुके हैं? नहीं, कहीं कोई देखिए जो राजपूत समाज की बात आप कर रहे हैं वह काफ़ी जागरूक समाज है, यह काफ़ी जागरूक समाज है, और यह दिग्भ्रमित होने वाला समाज नहीं है, वह अपना चयन खुद करने की क्षमता उसमें विराजमान है, तो निश्चित रूप से जो उनका और सब लोगों का यह अधिकार बनता है कि समाज के लिए करे, निश्चित चाहे किसी भी जाति को, किसी समाज के लोग हों, उनको करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, और इतने जागरूक समाज के लोग हैं कि निश्चित रूप से उनको जो चयन करना है वो करें।